अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज ही मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ फिश समोसा। तो इसके लिए जी हमने 2 कप के करीब जो है वो मैदा ले लिया है जी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा जो जीरा है उसको डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जी टेस्ट के लिए नमक, और 1/4 कप के करीब जो है 4 टेबलस्पून जो है 4 टेबलस्पून के करीब जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है वो पहले मैदे में मिक्स करेंगे जी। तो ये देखें, ऑयल हमने पहले अच्छी तरह से जो है वो मैदे में मिक्स कर लिया है। ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको जो है वो इसको गूंद लेंगे जी। तो ये देखें बेहतरीन सी जो टाइट डो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको हल्का सा जो है वो ऑयल लगाकर, ये देखें, तो इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो कवर करके रख देते हैं जी। तो जितनी देर में हमारी डो जो है वो रेडी होती है, तो हमने जो है इसका जो है वो इसकी स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। 2 अदद जो है वो बड़े साइज के आलू जो है वो उबाल कर, तो मैंने उसको देखे मैश कर लिया, इस तरह से मिक्सअप कर लिया है। तो अब हम डालेंगे जी इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे, और 1 अदद जो है वो मीडियम साइज की इसमें प्याज बारीक बारीक काट कर वो ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आपकी च्वाइस पे डिपेंड करता है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी थोड़ी सी सूखी मेथी कसूरी, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर और उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम इसमें डालते हैं नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे जी इसमें चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला पाउडर भी ऐड करते हैं। अब जो मटेरियल है इसको जो साफ हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेते हैं। जी तो मिक्स करने के बाद हम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कॉर्न फ्लोर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें जो है वो मैदा डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं जी। तो हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो गई है, तो अब हम समोसा बनाना शुरू करते हैं जी। तो ये देखें डो बेहतरीन सॉफ्ट रेडी हो गई है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं, छोटे छोटे लेकिन एक साइज के हम इसके पेड़े बनाएंगे जी। तो ये देखें इस साइज के हम पेड़े बनाएंगे, और इसको जो है अब हम बेलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप ना ज्यादा आप मोटा करेंगे, ना आप बिल्कुल बहुत ज्यादा बारीक करेंगे, लेकिन ये पतला होना चाहिए। इसको गोलाई में बेलते हैं जी। तो ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद तो हमने फिश की शेप में जो है इसी तरह से इसको जो है एक मजीद रोटी बेल के, तो उसकी हमने फिश शेप में कटिंग कर ली थी। तो हमने जो अपना मटेरियल रेडी किया है, तो उसको जो है हम इस तरह से सेंटर में जो है वो रखते हैं, और इसकी मदद से उसको जो है वो कवर कर देते हैं। और अब हम जो है दोनों साइडों से जो है वो 6-6 जो है वो कट्स लगा लेते हैं जी। तो अब ये देखिए हम इसको लेंगे और इसको जो है वो इधर से ऐसे लगा देंगे इस साइड से, और इस चीज इसको उठाएंगे और इसको जो है इस तरह से लगा देंगे जी। तो अब हम ब्रश ले लेंगे और उसको जो है इसको फिश को जो है वो गीला कर लेंगे। इसको हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है चिपक जाए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इस तरह से बिल्कुल नीटनेस से इस तरह से फिश बनाते जाएंगे। देखें
जी इसको इस तरह से जो है वो कट्स लगा के इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है वो निकाल लेंगे। और ये देखिए जी बेहतरीन सी जो है फिश जो है हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम फोक लेंगे और इसको जो है वो इस तरह से प्रेस करके तो इसकी जो है वो थोड़ी सी डिजाइनिंग बना लेंगे जी। और एंड में हम इसमें फिश की बनाएंगे जी छोटी सी आंख और इसमें जो है वो इस तरह से प्रेस करके काली मिर्ची इसमें लगा देंगे। लेंगे बेहतरीन जो है फिश जो है फ्राई के लिए रेडी है जी। तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन जो है वह फिश समोसा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं जी। तो अब हम ये देखिए फिश समोसा जो है फ्राई हो रहा है, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे जी। तो व्यूवर्स ये देखें फिश समोसा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। तो आप प्लीज अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। तो आप प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको फिश समोसा कैसा लगा है। आपसे इजाजत लेते हैं, फी अमान।